नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। देखिए केपीआई ग्रीन एनर्जी आप सभी जानते हैं, इस कंपनी एक रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करते हैं। सोलर प्रोजेक्ट के साथ, विंड प्रोजेक्ट के साथ कंपनी काम कर रहे हैं और हाइड्रो प्रोजेक्ट के साथ भी कंपनी काम कर रहे हैं। तो कंपनी अलग अलग कैटेगरीज के ऊपर कंपनी काम कर रहे हैं और मजेदार बात यही है कि कंपनी हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के ऊपर भी कंपनी काम कर रहे हैं। और अभी एक बहुत बड़ा अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो अपडेट आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा जो डिसीजन लिया था वो उसको फाइनलाइज कर चुके हैं। जैसे आप देख सकते हैं केपीआई एनर्जी हैज सक्सेसफुली कमीशन्ड, आप देख सकते हैं फॉर द 16.8 मेगावाट फेज 8 का। तो टोटल जो कंपनी के जो विंड पावर प्रोजेक्ट था वो फाइनली यहाँ पे 8 नंबर ऑफ WTGS ऑफ 2.1 मेगावाट इच, जो सिद्धिपुर के ऊपर जो उसका प्रोजेक्ट था वो फाइनली वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसमें आप कहेंगे सर कंपनी प्रोजेक्ट को फाइनली कर चुके हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसमें क्या फायदा है हम लोगों का। देखिए ऑब्वियसली जब कोई कंपनी का प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो इसको देखकर अगर टाइम टू टाइम वो कंपनी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे तो दूसरे कंपनी क्या करेंगे, उसको भी टेंडर देंगे। तो टेंडर मिलेगा तो इसका मतलब उसको प्रोजेक्ट मिलेगा तो उसका फायदा होगा। तो इसके चलते ही कंपनी एक साबित कर दिया कि हाँ वो सही तरीके से, सही ढंग में, सही टाइम के अंदर कंपनी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहा है। तो यही कारण के वजह से मैं केपीआईटी के ऊपर एक बुलिश सिचुएशन हमेशा मुझे देखने को मिलता है। कंपनी के सारे पॉइंट्स आपको अच्छा लगेगा, सिर्फ दो पॉइंट्स कंपनी के ऊपर बहुत खतरनाक सिचुएशन में है। इसको अगर रिकवरी करे तो इस कंपनी को कोई पीछे नहीं छोड़ सकता क्योंकि कंपनी के वैल्यूएशन से लेकर, कंपनी का आरओसी, आरई से लेकर, इनकम से लेकर सब कुछ आपको अच्छा दिखेगा। क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तब चौंक जाओगे। इतनी छोटे कंपनी होने के नाते भी कंपनी देखिए हर साल में खुद को सेल्स को लगातार बढ़ाते चले गए, एक भी क्वार्टर्स में भी कम नहीं हुआ। ऐसे आपको नहीं दिखेगा कि हाँ क्वार्टर्स में कम हुआ, 179, 182, 189, 215 और 330, तो एक अलग लेवल का सेल्स देखने को मिला। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे और नेट प्रॉफिट देखिए 34 से 51 तक देखने को मिला, 34, 32, 33, 35 और 51, तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिले। और जो कंपनी इतने शानदार तरीके से प्रॉफिट कर रहा है, जिसका बैलेंस शीट भी क्लियर है क्योंकि रिजर्व भी कंपनी का बढ़ चुके हैं, और कंपनी के देखिए जो सबसे वीकनेस पॉइंट है वो है कंपनी का कर्जा। कंपनी रिजर्व से कई गुना ज्यादा कर्जा ले लिया। हाँ मैं ये कहूंगा कि कंपनी जो कर्जा लिया वो मिटा नहीं सकते, जरूर मिटा सकते हैं क्योंकि कंपनी के हाथ में कैश बहुत शानदार है, सॉरी फिक्स एसेट बहुत शानदार है। तो उसके साथ साथ कंपनी के रिजर्व भी है, उसके साथ साथ कंपनी के हाथ में कैश भी है 87 करोड़ का, और कंपनी का अदर एसेट भी 114 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी इजीली वो कर्जे को मिटा सकते हैं। मगर यहाँ पे बात ऐसा है कि कंपनी सर कर्जे के ऊपर नहीं है, कंपनी के देखिए जो 53% प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स है वो उसमें से 45% होल्डिंग वो प्लेजिंग रखा है, मतलब गिरवी रखा है। तो गिरवी रखने के कारण कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिला। बाकी कंपनी के सारे पॉइंट्स आपको अच्छा लगेगा, जिसके चलते मैं इस कंपनी के ऊपर एक बुलिश मोमेंटम हमेशा मुझे देखने को मिलता है। कंपनी देखिए लंबा जर्नी दिखा चुके हैं, कोविड के बाद करीबन 4200% के आसपास रिटर्न दिया, और रिटर्न देने के बाद कंपनी देखिए एक फिर से कप बनाया था, उसके बाद मुझे लग रहा था कि एक शोल्डर बनेगा, सॉरी कप विद 100 पैटर्न बनेगा तो मैं एंट्री लूंगा, तो यहाँ पे हुआ नहीं। एक रेंज भी क्रिएट हुआ था और रेंज को वो ब्रेकआउट ऊपर साइड में नहीं नीचे साइड में किया है। और मैंने आपको ये भी बताया कि जिस तरीके से यहाँ पे सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले और एक बड़ा फॉल और भी देखने को मिल सकता है, और बड़ा फॉल अगर होगा तो कहाँ तक होने का चांसेस है, अगर यहाँ से करेक्शन होना स्टार्ट हो गया तो 1206 रुपीज के लेवल तक आने का चांसेस है, 1206 रुपीज के आसपास लेवल आने का चांसेस है, क्योंकि इस लेवल तक आने के बाद ही वो यहाँ से रीबैक करने का वो कोशिश कर सकते हैं। बाकी देखिए मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली बुलिश हूँ, फिलहाल के लिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है। जब कोई ट्रेड मैं लूंगा तब मैं आपके साथ मेरा कहाँ पे ट्रेड है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए सारी चीज मैं आपके साथ इसीलिए शेयर करता हूँ क्योंकि एज ए एजुकेशन पर्पज में आप सारे चीजों को सीखिए उसके बाद काम करिए, क्योंकि मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन कोई भी और कभी भी होता नहीं है। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है NHPC। देखिए NHPC के ऊपर मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर कंपनी अभी भी एक पेनी स्टॉक है। देखिए एक्चुअली पेनी स्टॉक नहीं है, कंपनी 85 रुपीज है, एक PSU कंपनी है। तो कंपनी इसके ऊपर मार्केट कैप देख लीजिए 86,000 करोड़ है, और मजेदार बात यही है कि कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि NHPC जो है वो कंपनी का बिजनेस क्या है, सबसे पहले बिजनेस को समझ लीजिए तभी आपको सब कुछ क्लियरिटी हो जाएगा।
कंपनी के देखिए मार्केट शेयर के बारे में बात करूं तो देखिए कंपनी के उतना ज्यादा मार्केट शेयर आपको नहीं दिखेगा, जैसे कंपनी के सबसे ज्यादा मार्केट शेयर दिखेगा हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर। कंपनी जो हाइड्रो एनर्जी के ऊपर काम कर रहा है उसके ऊपर 18% मार्केट शेयर है, और हाइड्रो इलेक्ट ये जो ये मतलब इलेक्ट्रिक्स है उस सेगमेंट के ऊपर 15% कंपनी का बिजनेस चला है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर है पूरा का पूरा 100%, और इंडिया में ही कंपनी का बिजनेस चला है। और देखिए कंपनी के जो पावर डिवीजन है, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है जम्मू एंड कश्मीर में 11.87%, और यूपी में कितना है 13.69%, और आधा ऑल ओवर इंडिया में 74%, और पूरे के पूरे कंपनी हाइड्रो पावर के ऊपर ही डिपेंडेंट है, छोटा मोटा आदर्श पावर प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि 98.22% आपको टोटली हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो देखिए इस प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा ग्रोथ भी होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहते हैं कि हाइड्रो प्रोजेक्ट बहुत तेजी से बढ़ाया जाए, बहुत सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट तैयार किया जाए, जिसके चलते है जो जो पॉल्यूशन है उस पॉल्यूशन को जीरो कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का टारगेट है 2045 के अंदर अंदर जो कार्बन इमिशन है उसको जीरो करने वाला है, क्योंकि बहुत सारे टारगेट भी बहुत सारे कंपनीज भी टारगेट लेकर रखा है कि अगर कार्बन इमिशन को जीरो करेंगे तो पॉल्यूशन कम होगा, तो बहुत कुछ हो सकता है, तो इसीलिए हर कोई कंपनी इसी को टारगेट लेकर चल है। और मैं जीएसडब्ल्यू एनर्जी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आप देख सकते हैं, सॉरी माफी चाहता हूँ, जीएसडब्ल्यू नहीं एनएचपीसी के ऊपर मैं बहुत बड़ा एक अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कि देखिए कंपनी के ऊपर जो लोग सोच रहे कि कंपनी बहुत छोटा है तो क्या करेंगे, तो आपको बता दूँ कंपनी पीएससी कंपनी होने के नाते भी खुद को सेल्स को मेंटेन कर रहा है, एक्सपेंस को कंपनी कंटिन्यू कर रहा है, और उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट वो भी देखिए लगातार एक रेंजेबल प्रॉफिटेबल ग्रोथ में है। हाँ मान लेता हूँ कुछ इस बार कंपनी का छोटा मोटा सेल कम हुआ, अराउंड 50% से ज़्यादा कंपनी का सेल्स कम हुआ, सॉरी प्रॉफिट कम हुआ, जिसके चलते कंपनी बेकार नहीं हो गया, क्योंकि साल भर में कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत शानदार दिखा। एक क्वार्टर में कंपनी का रिजल्ट खराब हुआ वो कंपनी को खराब कहना बहुत बड़ा गलत होगा, क्योंकि ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी लगातार खुद के प्रॉफिट को बढ़ाते चले जा रहे हैं, और उसी के कारण कंपनी के ऊपर जो रिटर्न है वो धमाका जैसे रिटर्न दे, एक साल में 119% के आसपास कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। अभी चलो कंपनी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा देता हूँ, वो है इन्वेस्टर। देखिए प्रोमोटर के बाद इस कंपनी पीएसी होने के नाते भी इंस्टीट्यूशन जैसे एफआईएसडीएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स देखने को मिलेगा, पब्लिक से भी ज्यादा होल्डिंग्स आपको एफआईएस और डीएस के पास देखने को मिल जाएगा। और मजेदार बात यही है कि कंपनीज के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट प्रेजेंस बना है वो कुछ इस तरीके से बना, लंबा जर्नी के होने के बाद आप देख सकते हैं एनएचपी के लंबा जर्नी होने के बाद कंपनी देखिए एक रेंज के हिसाब से यहाँ पे काम कर रहा है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कोई कोई भी कंपनीज के ऊपर अगर इस तरीके से कोई कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल, देखिए मैं थोड़ा सा और भी जूम कर देता हूँ, मैं किस तरीके से यहाँ पे एक टेल लिया वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, दूसरा और तीसरा, ये तीन जो ग्रीन कैंडल है इस रेंज को मैंने मार्किंग किया, मार्किंग करने के बाद मुझे जो परसेंटेज निकल गया है वो 24%। तो 24% मैं हमेशा बोलता हूँ जो कोई भी इस तरीके से रेंज बने और वो भी 20% के ऊपर रेंज बने तो मैं ट्रेड किस तरीके से लेता हूँ, जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तब मैं एंट्री लूंगा और हायर लेवल तक मेरा टारगेट रहेगा। तो इस लेवल तक मेरा टारगेट रहेगा और नीचे लेवल में मेरा एंट्री हो चुके हैं, तो यहाँ से अगर यहाँ तक टारगेट मिले तो 24% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ जिसका नाम है जीएसडब्ल्यू एनर्जी। देखिए इसके ऊपर मैं एक अपडेट सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जीएसडब्ल्यू एनर्जी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, जीएसडब्ल्यू एनर्जी टू एक्वायर 45 मेगावाट विंड प्रोजेक्ट फ्रॉम द रिलायंस पावर। देखिए रिलायंस पावर के साथ एक बिग डील किया और रिलायंस पावर का ही 45 मेगावाट का जो विंड प्रोजेक्ट है उसको जीएसडब्ल्यू एनर्जी ने क्या किया, एक्वायर किया, उसको खरीदारी कर लिए। एक अच्छी बात है कि कंपनी रिलायंस जैसे इतने जायंट कंपनी के ऊपर, रिलायंस पावर जैसे इतने बड़े कंपनी से भी खुद के एक्विजिशन कर रहा है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है किसी कंपनीज के लिए, क्योंकि जीएसडब्ल्यू एनर्जी भी कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है, क्योंकि जीएसडब्ल्यू एनर्जी का जो मेनली बिजनेस है उसके बारे में एक बार मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स में दिखा दूँ तो और भी आपको क्लियर विजन आपको मिल जाएगा, क्लियर आपको डेटा मिल जाएगा। जैसे कंपनी का जो मेनली बिजनेस है वो थर्मल पावर प्रोजेक्ट के ऊपर है। अभी देखिए गवर्नमेंट का टारगेट है 2045 में कार्बन को जीरो करने के लिए, तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट से सबसे ज्यादा कार्बन इमिशन होते हैं, अगर उसको जीरो करना है तो पावर प्लांट के ऊपर पावर प्लांट को बंद करना पड़ेगा, बाकी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट भी चाहते हैं, साथ ही साथ कंपनी भी उसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। देखिए रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कंपनी ऑलमोस्ट 21% प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर रहा है, तो कंपनी का जो सेल्स है वो पावर के ऊपर ही है 85%,
बाकी देखिए पावर जेनरेट के ऊपर 6% और बाकी अदर्स के ऊपर 5%, और कंपनी का जो ऑपरेटर फीस है वो 2.1% और बाकी इनकम फ्रॉम ट्रांसमिशन के ऊपर 0.69%। तो ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस है वो इंडिया में चल रहा है, और कंपनी के बेसिकली जो पावर बिजनेस आ रहा है वो थर्मल पावर के ऊपर आ रहा है 73%, और बाकी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर 23% और अदर्स के ऊपर 2.69%। तो मैं सबसे पहले बता चुका हूँ कि कंपनी अभी धीरे धीरे करके बाकी जो रिन्यूएबल एनर्जी है उस प्रोजेक्ट के ऊपर वो फोकस रखेंगे। जितने सारे कंपनी काम कर रहे हैं उसको खरीदारी भी कर सकता है, एक्वायर भी कर सकते हैं, और खुद भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए एक्विजिशन करने में एक फायदा मिलता है, बना हुआ दुकान उसको मिल जाता है, बना हुआ प्रोजेक्ट उसको मिल जाता है। मान के चले किसी ने एक दुकान बना के रखे है और आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो उस दुकान को बेचना चाहते हैं, तो वो आप अगर जाकर खरीदारी कर लेंगे तो सारी चीज़ आपको एकता मिल ही जाते हैं, तो आपको अलग से बनाने का जरूरत नहीं है। आपको एम्प्लॉय भी मिल जाएगा, वहाँ पे एम्प्लॉय है उस एम्प्लॉय को भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो बना हुआ एक बिजनेस आपको मिल जाता है। जिसके चलते हुए मैं जरूर कहूँगा JSW एनर्जी के ऊपर फोकस रखना, क्योंकि बिजनेस इसका शानदार तरीके से ग्रोथ हो रहा है। क्योंकि कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट अगर दिखा दूँ तो सेल्स में कोई भी कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा, और कंपनी के प्रॉफिट में भी कोई कमियाँ देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी धीरे धीरे करके खुद को ग्रोथ करने का कोशिश करे। हाँ, बीच में थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा हो गया था, अभी थोड़ा सा कम हुआ, तो इस तरीके से अप्स एंड डाउन तो देखने को मिल ही जाएगा, क्योंकि सेक्टर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। फिर भी देखिए कंपनी इस खराब टाइम में भी कंपनी अच्छा खासा रिटर्न दिया, 1 साल में 130%, 3 साल में 80% के आसपास रिटर्न दे दिया। और टेक्निकली के चार्ट पैटर्न के बेसिस में बात करूँ तो कंपनी देखिए कंटिन्यूसली वो हायर हाई बनते बनते आगे बढ़ रहा है। तो अभी देखिए आप एक रेंज के हिसाब से देखो तो कंपनी बहुत दिनों से एक रेंज के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, इसी रेंज के ऊपर कंपनी कंटिन्यू कर रहा है। इस रेंज को अगर ब्रेकआउट करे और उसके बाद रिटेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा धमाका होने का चांसेस है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।